ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अब उद्धव ठाकरे को दूसरा झटका देने की तैयारियों में जुटी है। बुधवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात होने वाली थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एमएनएस प्रमुख के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की पेशकश करने वाले थे। बीजेपी के इस कदम के शिवसेना को एक और झटका देने के रूप में देखा जा रहा है। इसके पहले उद्धव ठाकरे खुद 40 विधायकों की बगावत से परेशान हैं और पार्टी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। बीते कुछ सालों में शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को एक युवा नेता के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की है और उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। इसी तर्ज पर अब आदित्य के प्रतिद्वंदी के रूप में अमित ठाकरे को भी बीजेपी राज्य की सियासत में तैयार करना चाहती है, ताकि शिवसेना के प्रभाव और कद को कम किया जा सके। मौजूदा हालात में अमित ठाकरे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के, बावजूद इसके बीजेपी उन्हें मंत्री बनाने की पेशकश कर रही है। उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाने के लिए बीजेपी का यह अगला कदम था। माना जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की भगवा रणनीति को कमजोर करने की कोशिश में है। वहीं इस बारे में एमएनएस नेताओं का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे ने खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वैसे इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फडणवीस राज ठाकरे से बुधवार को शिष्टाचार बैठक करने वाले थे, हालांकि बाद में यह बैठक कुछ कारणों के चलते स्थगित कर दी गई थी। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।